समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन, एक विकेट का नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज है संजय रमेश गुरुजी, जो कि साइंस के गवर्नमेंट टीचर है, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं क्रिकेट जगत में भी, और टीचर भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी है रमेश जी गुरु जी, बिल्कुल ऑलराउंडर भी है, उतना ही अच्छा इनका व्यक्तित्व है, बहुत ही शांत सरल स्वभाव के व्यक्ति है, बहुत ही बड़ा नाम क्रिकेट जगत में इनका रमेश जी गुरु जी। चाहे आप छोटे से बच्चे जरूर सोच लो, वो भी इनका नाम जानता है, काफी शानदार गेंदबाजी करवाते हैं, इतनी शानदार अंदाज में वो बैटिंग भी करते हैं। और घोषणा, अगर कोई भी प्लेयर लगातार 3 छक्के लगाता है तो 1100 रुपए बिजू बोस, जी हाँ बिजू बोस की ओर से 1100 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा अगर कोई भी प्लेयर लगातार 3 छक्के लगाता है तो। नाम याद रखना बिजू बोस, बहुत बहुत धन्यवाद है, लगातार भामाशाह है वो अपनी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कहूंगा क्रिकेट प्रेमी भी है, उनकी कोई टीम नहीं है लेकिन फिर भी अपना टीम की समय से समय निकाल कर ये आते हैं और भामाशाह के रूप में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं टूर्नामेंट में। एजाज है तो अपना हाथ ऊंचा करे बॉलर, अगर एजाज आए तो ओके, एजाज टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर कराए हैं, अपने पोते का पहला ओवर सामना करेंगे रमेश जी गुरु जी, बहुत बड़ा नाम इनको देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक यहाँ पर मौजूद है। एजाज ने पिछले मैच में काफी शानदार गेंदबाजी और कुछ भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, देखना होगा इस मैच में बड़ा मुकाबला है क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए एजाज। एक और बड़ी घोषणा, अगर पतिश्री की टीम है, बहुत ही शानदार गेंद, दो बॉल में गेंद थी और उसका इस सफाई के साथ गेला हुआ शॉट, टॉप बॉल के रूप में पहली गेंद दिया। एक बड़ी घोषणा, अगर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका, सभी लाइव में जुड़ चुके दोस्तों, फाइनल मुकाबला थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जी, जिसके वजह से फेसबुक पर लाइव नहीं हुआ, काफी टाइम ट्राई किया उसके बाद में लाइव हुआ, एक ओवर चला गया लेकिन इसमें फाइनल मंडेड़ा और पातोश्री के बीच में चलता हुआ भाई, एक विकेट जा चुकी है, संजय पातोश्री आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं, मंडेड़ा ने पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया दोस्तों, टॉस जीत कर मंडेला ने फील्डिंग का फैसला लिया, 12-12 ओवरों का मुकाबला रहेगा दोस्तों, ये शेयर करते हैं, बहुत ही बड़ा मुकाबला राजस्थान टेनिस क्रिकेट का, बगड़ से लाइव दिखा रहे हैं आपको, इनके बारे में कुछ बताना, नोसु भाई नोसु भी आएगा और केपी अकरम भाई आपका भी स्वागत है पेज पर, बहुत सहयोग किया है आपने इकबाल मुगल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, के नाड़वा करीम खान बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी साथियों का जो भी लाइव में जुड़े हैं और मैच को देखे, तब तक मैं यूट्यूब का लाइव करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में आपसे बातचीत रूबरू होते रहेंगे, धन्यवाद, शेयर करते रहे भाई एक बार मैच को अभी से शेयर करते, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला दोस्तों, उनका माल्यार्पण और शॉल ओढ़ा करके हार्दिक अभिनंदन सुस्वागत करें। मिस्टर निहुत सहल रात्रिकालीन पकड़ क्रिकेट प्रतियोगिता कमेटी के एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवी भामाशाह गीतांजलि ज्वेलर्स के पर्याय बन चुका है, हर गृहिणी हर स्त्री की पहली पहचान बन चुका है, उनका स्वागत और माल्यार्पण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही आज के दिन का फाइनल मैच चल रहा है मातोश्री वर्सेज मंडेला के बीच, मंडेला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, अब मातोश्री ने एक विकेट खो दिया है, रमेश गुरुहा सामने 4 गेंदों में 4 रन बनाए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, काफी हाई वोल्टेज मैच चल रहा है, फाइनल मैच अंपायर का डिसीजन काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, मातोश्री की टीम काफी स्टारों से सजी हुई टीम है, साथ ही रमेश गुरुहा सोहेल है, डारा है, अजीत कड़वासरा है, फॉर्म बल्लेबाज, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दी, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, काफी अच्छी फील्डिंग नदीम द्वारा, और इसी के साथ शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार फील्डिंग यहाँ पर नदीम धनुरी के द्वारा, एक बार फिर से एजाज रमेश गुरु जी के लिए, बहुत बड़ा नाम है रमेश गुरु जी,
चार सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए काफी लंबा है परमेश गुरु द्वारा साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, काफी हाई वोल्टेज मैच चल रहा है। पातू श्री वैसेज मंडरेला पक्का लगी पक्का भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर बॉलर अनिल मीणा है तो अपना हाथ ऊपर करें। स्ट्राइक पर है राहुल, अनिल मीणा है पारी का दूसरा। अनिल मीणा ने गेंदबाजी का भार संभाला है अपनी टीम की तरफ से, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सेमीफाइनल मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। आदिल जाबाज और करण जयपुर को आउट किया, गेंद हवा में नीचे, इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ पातुश्री की टीम का। काफी अच्छी गेंदबाजी अनिल मीणा द्वारा। अनिल की यहाँ पर अपने कप्तान के विश्वास पर खड़ा करते हुए, जैसा कि कप्तान ने इन पर विश्वास जताया था, तीसरे ओवर में एक बार फिर से वापस बुलाया इनको बॉलिंग अटैक के लिए। पातुश्री की टीम ने 19 रन पर 2 विकेट खो दिए, 2 पॉइंट और काफी अच्छी गेंदबाजी अनिल मीणा द्वारा। कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे हैं, शानदार गेंदबाजी यहां पर है। आपका भी स्वागत है। कप्तान होता है पातुश्री टीम का। काफी बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। ज्यादा शेयर करते रहे। नदीम धनारी वर्मा सकेल काफी अच्छे, अनिल मीणा काफी स्टार प्लेयर समंडरला की टीम में। पातुश्री की टीम में रमेश गुरु हैं, सोयल हैं, अजीत कड़वासरा हैं, काफी बड़े बड़े स्टार हैं, काफी बड़ा मैच होने वाला है, शेयर करते रहिए। कप्तान के विश्वास पर खरा उतरते हुए यहाँ पर अनिल, जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले मैच में भी देखा था, कप्तान ने बहुत उम्मीदें लगाकर अनिल मीणा को पहला ओवर दिया था और उम्मीदों से खड़े उतरे थे, वही काम इस मैच में भी दिखाते हुए। वो पहले ओवर में एक विकेट झटका था और दूसरे ओवर में आते ही एक बड़ा विकेट राहुल के रूप में झटक लिया है, तो काफी किफायती और शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं अनिल मीणा। काफी अच्छी गेंद, सम्मान दिया रमेश गुरु ने, सम्मान दिया अंकित जी। यही एक खासियत होती है अनुभवी प्लेयर की, वो गेंद को भाप लेते हैं कि उनको पता भी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अनुभवी प्लेयर है रमेश जी गुरु जी, उन्हें पता है कि कब, जैसे कि मैं बात कर गेंद जा रही है 6 रनों के लिए और गेंद की मरेगा जवाब 6 रन। मैं आपको बता दूं रमेश जी गुरु जी के रडार में गेंद आ गई, कोई भी मौका चूकते नहीं है। गेंद को बिल्कुल पता है कि कौन सी बॉल पे हिट करना है, कौन सी बॉल को सम्मान देना है, ये एक बड़े प्लेयर की होती है निशानी। ऐसे नहीं कि आते ही बैट घुमाना चालू कर दिया, काफी देख के गेम खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि किसी भी चकली गेंद। एक बड़ी घोषणा, अगर रमेश जी गुरु जी 50 लगाते हैं तो 11,000 रुपए अरुण जी चाहर की तरफ से नगद पुरस्कार दिया जाएगा उनको। जी हाँ, एक बार और सुन लीजिए, अगर रमेश जी गुरु जी 8 शतक लगाते हैं तो 11,000 रुपए अरुण जी चाहर की ओर से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी चाहर अपनी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए, लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। एक बार फिर से रमेश गुरु जी, मैं आपको बता दूं 3 ओवर हुए, 3 ओवर में 33 रन बना
चाहिए क्योंकि एक विकेट के नुकसान पर दो विकेट के नुकसान पर काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ बल्लेबाजी नहीं 11 रन की रन रेट से रन चल रहे हैं। पातू श्री के जो की एक अच्छी और बहुत ही शानदार रन रेट है और अभी 8 ओवरों का गेम और शेष है और हार्ड हिटर बल्लेबाज अभी मौजूद है पातू श्री के पास, तो कोई उन्हें रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहे, काफी बड़ा मैच चल रहा है। मंडला वैसे बात फाइनल शेयर करते रहे, ध्यान आपका धन्यवाद। आप सऊदी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा मैच को शेयर करते रहे। काफी बड़ा मैच चल रहा है मंडला वैसे मंडला वैसे साथियों मैच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। काफी बड़ा मैच चल रहा है फाइनल, पातू श्री वर्सेज मंडरला फाइनल मैच है साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थ्री के का टारगेट है साथियों ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से पहुंचा दो थ्री के। जिन्होंने पिछले
पिछले मैच में विजेंद्र वर्मा ने अंकित जी पूरा गेम ही चेंज कर दिया था। 6 ओवर के बाद आए थे, 7वें ओवर में 3 विकेट लेकर पूरा मैच चेंज कर दिया था इन्होंने। बहुत शानदार प्लेयर है विजेंद्र वर्मा, काफी हाइट है और उतना ही ज्यादा पेस है इनके पास। ज्यादा से ज्यादा गेंद स्लो बॉल में रखते हैं, स्लो पे कम विश्वास रखते हैं, अपनी गति पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। और हमने देखा था इन गति से 3 विकेट झटके थे इन्होंने अपने स्पेल में जी। बिल्कुल अंकित जी, 7वें ओवर में मानो पूरा गेम चेंज कर दिया था। 6 ओवर तक पर वो राजगढ़ की टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, एक काफी हम कह सकते हैं सुरक्षित स्थिति में थी, लेकिन जैसे 7वें ओवर में विजेंद्र आए, 1 ही ओवर में 3 विकेट लेकर मैच को ही चेंज कर दिया था। और पातु श्री के लिए एक और घोषणा, चल पड़े हैं विजेंद्र वर्मा, बहुत ही शानदार बॉल। मैं एक बड़ी घोषणा, अगर पातु श्री की टीम से कोई भी 3 छक्के लगातार लगाता है तो ₹500, और अगर 1 ओवर में 6 छक्के लगातार लगाता है तो ₹1100। बलबीर जी से भी संयोजक बजरंग दल की तरफ से दिए जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीम का उत्साह वर्धन करने के लिए। अजीत ने मना किया, अजीत को पता है कि यहाँ राउंड यहाँ पर कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है अंकित जी। जी हाँ बिल्कुल, अजीत एक बहुत ही मंझे हुए प्लेयर है, उन्हें पता है कब रिस्क लेनी है कब नहीं। अभी उन्हें पता है गेम को चलाना है, क्योंकि एक साइड से रमेश गुरु जी अच्छी स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा गुरु जी स्ट्राइक पर रहे और गेम को चलाते रहे। वो सिर्फ सिंगल डबल भी निकालेंगे तो प्रेशर में नहीं आएगी, लेकिन अगर अपना विकेट गवा बैठेंगे तो प्रेशर में आ सकती है पातु श्री की टीम। जी बिल्कुल, किसी 12 ओवर का है ये मैच, अभी तो 5वां ओवर ही चल रहा है, 8 ओवर का 6 ओवर बचा है अभी। अगर इनको पता धीरे धीरे स्कोर बोर्ड में हल्की फुल्की अगर स्कोर बोर्ड चलता रहेगा तो टीम का स्कोर भी बढ़ता रहेगा। लास्ट के 4 ओवरों में भी हार्ड हिटिंग की जा सकती है, छोटा ग्राउंड है, 4 ओवरों में भी 60 रन तक बन सकते हैं। किसी भी चुना दिया शो के यहाँ पर, जैसा कि मैं बता रहा था मात्र 2 दिन पहले अजीत ने सेमीफाइनल में तीन ओवरों में टीम को जीत दिलाई थी, 3 ओवरों में 69 रनों की जरूरत थी। काफी अच्छे बल्लेबाज अजीत, इतनी देर से हल्के हाथ से डिफेंसिव शॉट खेल रहे थे, देखो छक्के के लिए शानदार पटकी हुई बॉल, समझ नहीं पाया जी से और छोड़ दिया। इसी के साथ मैं बता दूं पातु श्री टीम की 50 भी पूरी हो चुकी है, 50 रन बना चुकी है पातु श्री की टीम 4.4 ओवर में। ये चले विजेंद्र सुशर्मा, सामना करेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज अजीत सरवात्रा। गेंद हवा में नदी में नीचे, इसी के साथ अजीत कड़वासरा आउट होकर जाते हैं पवेलियन की तरफ। पादू श्री को एक और झटका लगता है विजेंद्र अजीत सरवात्रा के रूप में, और विजेंद्र वर्मा की शानदार गेंदबाजी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले मैच में भी इन्होंने गेम ही चेंज कर दिया था अपने ओवर में, 7वां ओवर लेकर आए थे, इस बार ये 5वां ओवर में आ गए हैं। और अब आए हैं जिनका वेट कर रहे थे काफी देर से दर्शक, हार्ड हिटर बल्लेबाज आमिर सोयल, फतेहपुर से बिलोंग करते हैं, विदेशी खिलाड़ी है, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं। काफी मौजूद है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, 2724 लाइव देख रहे हैं दोस्तों, 5000 का टारगेट है इस बड़े मुकाबले के लिए, शेयर करें भाई सभी साथी जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं, एक शेयर करते हैं लाइव के और बगड़, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट करवा और एक शानदार ये मुकाबला इस समय परम सीमा पर चल रहा है। आमिर सोहेल और इस समय अजीत पातुश्री का जो विकेट मिला है मडरिल्ला को, एक बहुत बड़ा विकेट है,
लेकिन अमन सोहेल एक बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। देखते हैं कि गेंदबाज की जो जिम्मेदारी है, गेंदबाज इस समय गेंद को निकाला, बैकफुट है, कवर की तरफ है, दौड़ करे, गेंद पूरा किया। तो गेंद 2500 लाइव देख रहे हैं दोस्तों, 2500 सरजमीन पर चारों तरफ से आप देख सकते हो कि दर्शकों का 2.5 के देख रहे हैं दोस्तों लाइव लगा है इस ग्राउंड में। तो बड़ा मुकाबला दोस्तों, 5 के का टारगेट आप सभी के लिए जरूर शेयर करें। एक और घोषणा, अगर कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के लगाता तो बलबीर जी सैनी संयोजक बजरंग दल की तरफ से ₹500 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लगातार भामाशाह आपके टीम का उत्साह वर्धन करने के लिए इनामों की घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर शानदार और बड़ी घोषणा, अगर कोई भी बॉलर हैट्रिक लगाता है तो ₹2100 का नगद पुरस्कार आमिर जी की ओर से दिया जाएगा। और अगर मंडेला की टीम यहाँ गोल जीतती है तो पूरे निर्माण होटल झुंझुनू में एक आलीशान पार्टी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो टीम के ओनर हैं आमिर जी, उनके द्वारा अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हुए शानदार जो होना चाहिए को हौसला, शानदार हौसला इस समय है। अब भी सामना करेंगे गेंदबाज चारों तरफ दर्शकों की एक तादाद देख लीजिए, क्रिकेट के रोमांच का लुत्फ उठाते हुए के भाई आतिशबाजी हो रही है, जबरदस्त मुकाबला, काफी जोश देखा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा संख्या में दर्शक मौजूद, मंडेला की टीम को फुल सपोर्ट चलता हुआ मंडेला के ग्रामवासियों के द्वारा। और इसी बीच अगली गेंद पास करेंगे आमिर साकिल, हल्के हाथ से खेला हुआ शॉट 1 रन के लिए। यहाँ बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है अनिल जी मीणा, रिस्क नहीं ले रहे हैं अमित सोहेल, उनको पता है कि 12 ओवर का मैच है, अभी तो छठा ओवर ऊपर गति पर चल रहा है, इसके बाद में 6 ओवर और है और टीम का स्कोर भी अच्छा खासा हो रहा है। एक और घोषणा, अगर कोई भी बोले यहाँ मेडिम ओवर निकालता है तो 1100 रुपए आमिर खान का दोस्तों पेज को, ये अपना नया पेज है दोस्तों, फॉलो लाइक जरूर कर लें। जो भी साथी लाइव में जुड़े हैं, बड़ा मुकाबला, जो भी साथी लाइव में जुड़े हैं वो राज क्रिकेट व्यूअर पेज को फॉलो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि ये पेज नया है दोस्तों, पहले वाला ब्लॉक हो चुका है, तो इतना उसके इस पेज को फॉलो करें तो आगे के लाइव मैच इसी पेज पर दिखाई जाएंगे। जैसा कि अंकित भाई ने आपको बता रहा था कि कोई भी जो खराब बॉल है उसको नहीं छोड़ते, कोई भी मौका नहीं छूटते रमेश जी गुरु जी, बहुत अच्छी बॉल और स्टार बल्लेबाज के गिनती में आते हैं शेखावटी में। जी हाँ बिल्कुल, इसी बीच गुरु ने फिर से उठाया है बॉल बाउंड्री लाइन, इस बार 6 रन के लिए, जबरदस्त बैटिंग गुरु के द्वारा, रमेश गुरु 16 गेंदों में 40 रन बना के खेलते हुए, जबरदस्त बैटिंग में देखने को मिली है रमेश गुरु के द्वारा। लाइव करने इस फाइनल मुकाबले के लिए जितना हो सके शेयर करें भाई।
मैच को 3K हो चुके हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भाई पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर ले। ये अपना नया पेज है, पहले वाला पेज ब्लॉक हो चुका है। जब तक वो रिकवर नहीं होता, इसी पेज पर ही सभी बड़े मुकाबले लाइव दिखाएंगे आपको। दोस्तों एक विशेष सूचना है कि वॉलीबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की सारी बीआरएस अकेडमी बगड़ में 31,000 रुपए इनामी राशि 6, 7 और 8 तारीख से। कोई अगर वॉलीबॉल का प्रशंसक है या खिलाड़ी है तो जरूर इसे बने। इंडिया लेवल के स्टार खिलाड़ी आपको वॉलीबॉल के उस टूर्नामेंट में बीआरएस में जो करवाया जा रहा है उसमें लाइव भी दिखाएंगे राज क्रिकेट व्यूअर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 23.2 के लाइव हो चुके हैं भाई, एक एक शेयर सभी करते हैं। 5K का टारगेट आप सभी के लिए, जितना उसके शेयर करें भाई। पेज को भी दोस्तों शेयर करते रहे क्योंकि ये पेज अपना, लेकिन जिस प्रकार से फाइनल मुकाबला है तो हो सकता है कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ी कर सकती है। तो अतुल की टीम गुरुजी सामना करेंगे और इस समय आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सभी का नाम ले सकता हूँ मैं, लेकिन आप सभी को मैं देख रहा हूँ। आप सभी साथियों ने बहुत ही सहयोग किया है इस नए पेज को रीग्रो करने में और बनाने में काफी अच्छा। इस पेज का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, तहे दिल से आभार व्यक्त करता है राज क्रिकेट व्यूअर, साथ में जुड़ने के लिए और सभी तक इस पेज को पहुंचाने के लिए। रमेश गुरुजी की 50 भाई 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोयल है अब स्ट्राइक पर, देखते हैं भाई क्या होता है। मंजूरी करने का आप पाकर 4 रन जोड़े 11,000 रुपए से, तो हम सब तय दिन से जाएंगे कि आवाज सब तक लगाए और अपना 11,000 रुपए का नगद पुरुष द्वारा ऑटोमेटिक रूप से कलेक्ट करें। भाई नदीम, मैं आपको बता देता हूँ भाई, नदीम धनूरी मंडेला की टीम में है दोस्तों। इस टीम में रमेश गुरुजी जो बैटिंग कर रही है, पातुश्री की टीम बैटिंग कर रही है, जिसमें सोयल, रमेश गुरु, अजीत कड़वासरा और डारा संजय कड़वासरा, ये सब खिलाड़ी हैं। और मंडेला की टीम में वर्मा और गुरुजी के बारे में कहा जाता है वर्मा, नदीम धनुरी, शकील केडोली और अनिल मीणा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, बड़ा फाइनल मुकाबला बगड़ से लाइव है। 1,00,000 रुपए इनामी राशि 7+4 3300 लाइव में जुड़ चुके हैं दोस्तों। सभी एक एक शेयर करेंगे तो 5K तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। अच्छा शॉट खेला गुरु जी, पीछे फील्डर है लेकिन एक ही रन मिलेगा और ज्यादा शेयर करते रहो। 12 ओवर का मैच है फाइनल में, काफी बड़ा हाई वोल्टेज है साथियों, शेयर करते रहे। गेंद हवा में, इसी के साथ सोयल आउट होते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी विजेंद्र आउट होकर पवेलियन की तरफ चले आमिर सोयल। आमिर सोयल पवेलियन की तरफ जाते हुए साथियों, अब आए हैं डारा बैटिंग का भार संभालने। काफी बड़े स्टार है डारा, वीरेंद्र डारा। स्ट्राइक पर है गुरु जी, और स्कोर है 70 रन।
ने जिसमें से 46 रन रमेश जी गुरु जी ने बनाए हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं, काफी बड़ा मैच चल रहा है। संदीप जी सोनी की तरफ से 12,000 रुपए, अरुण जी चार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तीन छक्के भी लगाते हैं तो अरुण जी के लिए बजरंग दल पटेल की तरफ से पूरा मैच है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका भी कोई भी मैच अगर हैट्रिक लगाता है तो 21 पे है आमिर खान माथुर की ओर से, जो कि 100 साल मनेगा टीम के। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लाइन में जुड़े हैं भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शानदार शो पर आप पूरा कर लिया उसी के साथ और सात ओवर, सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है चार विकेट के नुकसान पर। मैं मेरे साथी को मैंने तरमिता जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा था कि पिच कमजोर हरकत कर रही है और इस मैच में देखा है कि काफी अच्छे रन बन रहे हैं। अगर 12 इस ओवर में छक्का लगाते हैं तो 33-87 लाइव जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। 5K का टारगेट है साथियों, प्लीज सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। काफी हाई वोल्टेज मैच चल रहा है, काफी स्टार है इस टीम में। काफी काफी बड़ा मैच। आजाद में तो हाथ ऊंचा करें, काफी बड़ा मैच है और काफी बड़ी मात्रा में आप भामा साहब बता रहे हैं। मैं सभी भामा साहब का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे टूर्नामेंट में स्ट्राइक पर है, ग्रुप चार चांद लगाए टूर्नामेंट में, गेंदबाजी पर है इजाज। इजाज का सामना करेंगे रमेश जी गुरु जी, 8 ओवर लिख रहे हैं टीम की तरफ से अपने कोटे का दूसरा ओवर। इजाज की ये दो और काफी शानदार शॉट लगाई है रमेश जी गुरु जी ने, उसका पूरा बल उठाया और पर बहुत बड़ा नाम धारा अपने लंबे लंबे छक्कों के लिए मशहूर। अगर इस ओवर में छक्का लगाते तो वेंकटेश की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार, काफी सुनहरा मौका दादा जी नरेगा मजदूरी करने का। अगर इस ओवर में कोई विकेट लेता है तो राहुल धामी मैच में 1,51 रुपए का नगद पुरस्कार आपके पास भी मौका है तो आप नरेगा मजदूरी करने का। आप देखते हैं कौन कर पाता है जमीन में मजदूरी, ये तो अक्सर नहीं बताएगा। वो करेगा सामना करेंगे तारा। अगर 12-3 सेकंड लगाते तो 1,200 रुपए लगातार, अगर 12-3 सेकंड लगाते तो 1,200 रुपए बंदूक की सैन्य संयोजक बजरंग दल बदर की तरफ से। और अगर हमें किसी की पुष्टि लगाते हैं तो भी 500 रुपए बंदूक की सैन्य की तरफ से आपको दिए जाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बलबीर जी सैनी का, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अंपायरों से भी बोलते एक मिनट मैच को रोका जाए, एक बार ऐसा ब्रेक रखे अंपायर, लाइन चेंज की जा रही है, जनरल से बंद किया जा रहा है, एक मिनट आप गेम को रुकवाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों अंपायरों का। मैं बता दूं 7.2 ओवर के बाद स्कोर है 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भाई लाइट चेंज की गई है, जनरेटर को ऑफ करके लाइट में जोड़ा गया। आप मैच में चालू करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का भाई, 3,500 तक गए भाई और एक एक शेयर हो सकता था और 5 के इस बड़े मुकाबले में पहुंच सकते थे भाई बगड़े और हमारे इस नए पेज पर भी 5 के का टारगेट कंप्लीट हो सकता था। अभी जो पेज चला है भाई, जितने भी साथी जो भी लाइन में जुड़े हैं, ये पेज अपना नया दोस्तों, पुराने वाला पेज ब्लॉक हो चुका है। सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस पेज को फॉलो जरूर कर लें, बैटरी 2% बची है। इस पेज को फॉलो लाइक जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर करें ताकि ये पेज भी सभी तक पहुंचे और बड़े बड़े मुकाबले जो लाइव होते हैं वो सब उसका आनंद उठा सके। 12 ओवरों का मैच होता है, 12 ओवर। जी हाँ, काफी मैचों में हमने देखा है कि हमें चतुराई से खेलते हैं रमेश जी गुरु जी। और ये
हो चुके भाई रमेश गुरु जी के, 54 रन हो चुके हैं भाई, 54 रन हो चुके 24 गेंदों में, जबरदस्त स्थिति रमेश गुरु जी की। बड़े मैच में काफी दमदार प्रदर्शन किया है लगातार रमेश गुरु ने। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग में साथियों 12 ओवर का मैच है, धन्यवाद। हेलो हेलो भाई साहब, गेम का डिसिप्लिन बनाए रखें।